Shutterstock Music. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई वीडियो में। आज हम चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र जा रहे हैं अपने घर में काफी दिनों के बाद। तो है ना, ऐप कर रही है, गुगू ऐप कर रही है। तो कुरुक्षेत्र जा रहे हैं आज हम, और गुगू बहुत खुश है हमारी। दिव्यांशी नाम है इसका, प्यार से हम गुगू मुगू जो भी मुंह में आता वही बोल देते हैं। और आज मेन तो हम ब्रह्म सरोवर जाएंगे। आज की वीडियो में मेन हमारा फोकस ब्रह्म सरोवर पे रहेगा कि हम ब्रह्म सरोवर दिखाएं आपको। कुरुक्षेत्र का फेमस स्पॉट है, वो काफी बड़ा है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, कम से कम 3-4 किलोमीटर के अराउंड होगा वो ना। हाँ, धार्मिक मान्यता है वहाँ की, जब सूर्य ग्रहण होता है तो वहाँ पर मेला भी लगता है। बचपन में हम भी मेले में जाते थे। और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं कुरुक्षेत्र के, जैसे कैथल हो गया, अपना करनाल हो गया, अंबाला हो गया, इवन की पानीपत, सोनीपत, रोहतक के लोग सूर्य ग्रहण के मेले पे आते हैं। वहां पर ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के मेले पर अगर वहां पर स्नान कर लो तो पुण्य प्राप्त होता है, एक तरह का ना पाप धुल जाते हैं, पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ये बेसिक मान्यता है। और वहां पर काफी सारे मंदिर भी हैं अपने, द्रोणाचार्य के और कृष्ण भगवान के। तो अभी हम पहले सबसे पेट्रोल डलवाएंगे अपना। ये हमारा पेट्रोल पंप आ गया सेक्टर 5 का, सबसे अच्छा पेट्रोल पंप मेरे को यही लगता है चंडीगढ़ का, या तो सिटको या फिर ये। बाकी पेट्रोल पंपों पे मेरे को थोड़ा विश्वास नहीं है, ये वाला पेट्रोल पंप अच्छा है। और यहाँ पे देखो भीड़ भी लगी रहती है हमेशा, क्योंकि साफ सुथरा है, वेल मेंटेन्ड है, बंदे भी काफी हैं। यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी है, ये साइड में शॉपिंग करनी हो तो। भाई एटीएम निकाल दियो जरा। गाड़ी में तेल वैसे है, हाफ है, पर फिर भी मैं डलवा रहा हूँ 1000 रुपए का, क्योंकि फुल करा लूँ। नहीं, 1000 रुपए ठीक है, चलो फुल ही करा लेते हैं। और यहाँ से फुल कराने का ये भी फायदा है, जो हरियाणा है वहाँ पे पेट्रोल और डीजल का रेट महंगा है, चंडीगढ़ के कंपैरिजन में यहाँ पे सस्ता है 1-1.5 रुपए के आसपास। तो इसलिए यहाँ से प्रेफर करता हूँ मैं डलवाना। और वहाँ की क्वालिटी का भी नहीं पता तेल की, कि क्या क्वालिटी है, और यहाँ के तेल की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि यूज कर रहे हैं तेल हमारा। अब डलने लग गया है, 90,000 हमारी कार चल चुकी है। तो 2,303 रुपए का तेल हमारा आया हाफ टंकी में, यानी कि फुल टंकी में लगभग 4-4.5 नहीं। ये है गुगू। हेलो। You.
अभी चंडीगढ़ से बाहर आ गए हम ये हेलो माजरा में, और जाम देख लो आप। जाम तो नहीं, खैर लाइटें और रखी हैं, पर ट्रैफिक काफी हो रखा है, हो रखा है या हुआ है, जो आपको पसंद आए वो आप रख लो। नोची दिखाना और टंग, टंग दिखाना, वो टंग और ईएस का है, वेरी गुड। और फैन और कहाँ पे है? फैन ऊपर तो है, यहाँ तो गाड़ी में नहीं है, यहाँ तो नहीं है, साइड में है फैन। चलो मालिश, मालिश करो, चलो। नो नो नो, ईयर्स खराब हो जाएंगे, नहीं करनी, छेड़ना भी नहीं है वो वालों को। हाँ नो, वो देखो सामने गाड़ी। तो अभी हम अंदर जाके देखते हैं, कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको आकर मिलते हैं। बाय। चलो उधर बैठो, बैठ जा। आई तो हम आ गए हैं डिकैथलॉन से, एक ये हाइकिंग स्टिक लाए हैं और प्लस में ये एक बैग लाए हैं 10 लीटर का, वाटरप्रूफ बैग है ये। ये हाइकिंग स्टिक है, वो फादर साहब सुबह सुबह घूमने जाते हैं तो उनके लिए ये, हाइट भी इसकी अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, देखो खुल गई ना। अब ये कितनी लंबी करनी है, ये हो गया, अब ये नीचे से और खुल जाएगी, ये और खुल गई है, तो ये पूरी लंबी हो जाती है, और जितनी लंबी आपको चाहिए उतनी लंबी हम कर सकते हैं। वो बैग है 10 लीटर का, ये खुल भी जाता है, मतलब इसी को खोल दो बैग बन जाएगा, इसी को बंद कर दो तो ये छोटा सा पाउच बन जाएगा। तो town from London to Taiwan.
ये आप देख सकते हो कहाँ बैठी है वो। हाँ लगा दे। तो जैसा कि बताया था मैंने आपको कि हम चटोरे हैं, तो पहुंच गए हैं हम कढ़ी चावल राजमा चावल लेने के लिए। तो बस ये पैक करवा रहे हैं, मम्मी से पूछ लिया, मम्मी कह दे रही थी खाना बन गया है, दाल वगैरह बे रखी है, भिगो रखी है, पर हमने कहा कि हम ले आते हैं 5 प्लेट सभी खा लेंगे, तो यहाँ से लेते हैं। अच्छी होती है इसकी कढ़ी चावल, राजमा चावल ज़बरदस्त होता है। इसका नाम है गोपाल कढ़ी चावल के नाम से है इसका, यहाँ पे रेलवे स्टेशन रोड पे ये है इसकी शॉप। थोड़ा अंधेरा हो चुका है यहाँ पर और ये है शाम का व्यू, वो सामने बीच में मंदिर है। पेंटिंग भी लगा रखी है यहाँ पर। ये सही है, हो गया काम। ओ भाई अमित कह रहा हूँ वहां से वहां से वहां जाएंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं मतलब तो हम लोग भी आज ब्रह्म सरोवर की वॉक करने लगे हैं अमित के कहने पे। आगे से लेना। आगे से पीछे से कहेगी। रुको मेरे भाई धीरे चलो। तो ये हम लोगों ने सोचा ब्रह्म सरोवर का हम पूरा चक्कर आज फिनिश करेंगे और गुगु गोदी में फिनिश करेंगे और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वॉक पे हैं। इससे पता चलता है कि आजकल लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। और ये विशाल सरोवर लाइटिंग की वजह से रात को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ब्रह्म सरोवर। सुबह आ जाओ। सही बात है, पापा तो जाते ही हैं घूमने। कल पापा को साथ लेकर करते हैं। हाँ बात कर रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, अंदर जाने का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे, बस बाहर से ही। इधर आ जाओ। पापा तो लेके आएंगे सुबह।
तो अब हम वापसी आ गए हैं। वो खड़ी हमारी कार जो थोड़ी सी दिख रही है। यहाँ से टपार मारनी पड़ती है। वो दूसरी कार खड़ी है सामने, चॉकलेट कलर। ये अपनी कार खड़ी है। तो ये था हमारा कुरुक्षेत्र आने का पहला दिन, जहाँ पे हमने ब्रह्म सरोवर घूमा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कल। कल देखते हैं कहीं और घूमेंगे तो वीडियो बनाते हैं और फिर डालते हैं। तो ओके, बाय बाय। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. अमित को बोलना वीडियो बना ले हमारी कार के पीछे से। झटका लगेगा।
Fire.